Hey guys, welcome back to my channel Shivani's Gleaming World, और आई एम हेयर अगैन विद अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइज. सो एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है और देखो मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट भी पहन ली है, टी शर्ट. थोड़ा ठंडा फील हो रहा था तो मैंने फिर सोचा कि फुल स्लीव्स की टी शर्ट ही पहन लेते हैं. और भाई आज हम कर रहे हैं गार्डनिंग. गार्डनिंग मतलब मैंने जो लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई थी, फ्लावर्स वाले, तो बस वही लगा रहे हैं हम लोग. तो चलो प्लांट्स लगाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बैगन वाले पौधे में कितना अच्छा एक छोटा सा बैगन आ रहा है. छोटा सा बैगन है और भी निकलेंगे, बट अभी उनका सिर्फ फूल बना है. तो दिखाती हूँ आपको अपना वो छोटू सा बैगन. तो लेट्स गो. तो ये देखो मेरे गार्डन का सबसे पहला बैगन, छोटू सा बैगन. कितना क्यूट सा बैगन है ये. इसको देखकर तो बिल्कुल ही मेरा मन खुश हो गया, इतना सा बैगन देखकर छोटा सा. मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है और अच्छा लगा देखकर कि हाँ उसमें अब वेजिटेबल आने लगे हैं. और भी मैं आपको छोटे छोटू से बैगन दिखाती हूँ जो अभी बिल्कुल छोटे से हैं और धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे. देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ये, और ऐसे अभी काफ़ी सारे हैं छोटे छोटे से. और ये मेरा इधर कोरिएंडर धनिया हो रहा है अच्छे से. अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, फिर मैं इसको एक साथ कट करूँगी. इसमें साइड में थोड़ा सा पालक भी आपको दिख रहा होगा, बट वो हम लोगों ने कट करके थोड़ा यूज़ कर लिया था. और ये है मेरा मिर्ची का पौधा, उसमें देखो आपको छोटे छोटे से पौधे वो मिर्च दिख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल छोटे से मिर्च है बीच में. और ये हमारा टमाटर है जिसमें अभी कुछ फूल नहीं आया. गाइस आपने देखा मेरे बैगन कितना छोटू सा प्यारा सा निकल रहा है. अभी और भी निकलेंगे और मैंने और भी प्लांट्स लगा दिए हैं जो हम लोग उस दिन लेकर आए थे. तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने वो लगा दिए हैं, देखो कैसे होते हैं. आई होप अच्छे हो जाएं. और हमारी मिर्च भी थोड़ी थोड़ी होने लगी है, धनिया भी मैंने आपको दिखाया मस्त हो रखा है. और बस अभी हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहे थे प्लांट्स की जिससे कि सबको अच्छे से धूप मिले. और इसके बाद मैं दे दूंगी पानी. और मैंने खाद बनने के लिए भी रख दिया है प्लांट्स में देने के लिए, तो वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ. पीछे रखा हुआ है पानी में, वो जब सही हो जाएगा तो उसको हम सारे प्लांट्स में मिला देंगे जिससे कि विंटर्स में वो थोड़े से अच्छे ग्रो करेंगे और मुरझाएंगे नहीं. तो बस यही सब करते रहते हैं छोटा मोटा, अच्छा लगता है देख कर प्लांट्स को. ये देखो प्लांट्स हमने लगा दिए हैं जो कि मैं लेकर आई थी कल. ये लगा दिए एक, ये लगा दिया है, ये भी मैंने आपको दिखाया था कल. एक ये लगा दिया है, एक इधर लगा दिया है. बस यही सब प्लांट्स हम लोग लेकर आए थे तो ये सब लगा दिए. और ये कचूट अभी सारे प्लांट्स अच्छे हो रहे हैं. अच्छा लगता है ना भरे भरे प्लांट्स देखने में, हरे भरे.
गाइस प्लांट्स की भी सेटिंग कर दी है और पानी भी दे दिया है प्लांट्स में, खाद बनने के लिए भी रख दी है। अभी वो एक दो दिन में फूल जाएगी तो उसके बाद हम सारे प्लांट्स में इसको डाल देंगे तो प्लांट्स और अच्छे हो जाएंगे। सो गाइस मुझे तो नेचर के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले मुझे इतना क्रेज़ नहीं था बट अब मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स लगाते रहना और अभी बैगन को देखकर तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पीछे से नॉइज़ आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत पसंद है भाई नेचर के बीच में रहना। और आप में से कौन कौन है जिनको ऐसे प्लांटेशन करना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद है, गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और अब मैं जा रही हूँ नीचे और फिर मैं जाऊँगी अपने हेयर कट के लिए। आप देख सकते हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हेयर कट करा लूँ, तो उसके बाद हेयर कट के लिए जाऊँगी और फिर वहाँ से आके आपसे बात करती हूँ। वेलकम बैक। और सलून से आने के बाद मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई तो फाइनली मेरा हेयर कट हो गया है और मैंने अपने हेयर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट भी करा ली है। काफ़ी टाइम से हेयर कट नहीं कराया था और नीचे से थोड़े से डैमेज भी हो रहे थे क्योंकि मैंने कलर करा लिया था लास्ट ईयर, तो उससे मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा मेरा डैमेज हो गए थे बाल और हेयर फॉल भी काफ़ी हुआ था बीच में। तो फाइनली मैंने आज अपना हेयर कट करा लिया और शॉर्ट भी करा लिए हेयर, काफ़ी अब मुझे लाइट फील हो रहा है, अच्छा भी फील हो रहा है कि हेयर थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं। और साथ में मैंने हेयर स्पा भी करा लिया था, वो भी काफ़ी टाइम से नहीं कराया तो फाइनली वो भी आज मैंने करा लिया इसके साथ साथ। तो काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी रिलैक्सिंग था, मतलब बहुत अच्छा लगा जब उसने मसाज करा ना हेड में स्पा के टाइम पर, बहुत ही मज़ा आया मेरे को। तो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइज, जब हेयर की बात आई है तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल सम रेमेडीज़ जो आप लोग घर में भी बना कर यूज़ कर सकते हो यूजिंग विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल्स हर जगह मिल जाते हैं, वेदर इन ग्रॉसरी स्टोर्स और आप मेडिकल स्टोर्स पे जाओ, सो इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, तो आप कहीं से भी ले सकते हो एंड इट्स वेरी चीप ऑल्सो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप पार्लर वगैरह से भी ले सकते हो, पार्लर वगैरह में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं क्योंकि सलून और पार्लर में मोस्टली ये यूज़ होते ही होते हैं प्रोडक्ट्स में, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ फेशियल और फॉर सम हेयर ट्रीटमेंट, तो उसमें वो यूज़ होते ही होता है कि विटामिन ई की प्रॉपर्टी होती है, लाइक इट्स वेरी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग हेयर लॉस एंड इट ब्रिंग्स शाइन टू दी हेयर और ये स्कैल्प को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तो दैट मीन्स इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर हेयर। सो गाइज कुछ इस टाइप के कैप्सूल्स आते हैं, इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, लाइक अगर आप मेडिकल स्टोर से लोगे तो इट कम्स इन ग्रीन कलर ऑल्सो, इसकी पूरी स्ट्रिप आती है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। और पार्लर में ये गोल्डन कलर में भी मिलते हैं, इस कलर में मिलते हैं, मुझे ये मिले तो मैं ये लेकर आ गई, तो आप देख लो, चेक कर लेना पहले लेने के पहले, तो ये मिलते हैं इन कलर्स में और आप इनको यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं अभी ये वाले आपको दिखा रही हूँ, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं जो आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएंगे। सो गाइज जो विटामिन ई होता है इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्किन एज वेल एंड हेयर के लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर के लिए आप इसको किस तरह से घर में यूज़ कर सकते हो ईजिली विदाउट गोइंग टू एनी सलून एंड ऑल। तो फर्स्ट यूज़ जो मैं इसका आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप सिंपली इसको ऊपर से कट कर लो और इसका जो लिक्विड है उसको एक बोल में ले लो और ऐसे आप टू कैप्सूल्स लो, सो टेक टू कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई एंड मिक्स इट विद कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले लो, जितना आपको लग रहा है कि आपके हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग नीडेड है तो उतना ले लो और उसमें टू
दीज विटामिन ई कैप्सूल्स को आप मिक्स कर लो, और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप जेंटली उसका मसाज अपने हेड पे करो, ठीक है। मॉर्निंग में कर सकते हो बिफोर टेकिंग योर शावर, जब आप रेगुलर शैम्पू करते हो उसके पहले आप अराउंड 1 आवर पहले आप इन दोनों को मिक्स करके जेंटली मसाज कर लो हेयर पे, और उसके बाद इनको वॉश कर लो, तब भी ये बहुत अच्छी शाइन देगा आपके हेयर में। एक यूज़ आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ओवरनाइट नाइट मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो कोकोनट ऑयल और इसको मिक्स करके, जैसे मैंने बताया, उसको आप रात में पूरा जेंटली उसको मसाज करके और ओवरनाइट छोड़ दो, सो इट विल वर्क एज अ ओवरनाइट मास्क फॉर योर हेयर। और जब आप मॉर्निंग में इसको वॉश करोगे तो आपको इंस्टेंट शाइन दिखेगी अपने बालों में, लाइक ऑलवेज जैसे कभी नहीं दिखी होगी, तो वैसी एक शाइन आपके बालों में आ जाएगी इसको यूज़ करने के बाद। तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो इसको, तो एक तरीका ये भी है। सो इट्स वेरी इजी, कोकोनट ऑयल तो सबके घर में होता है, तो वेदर यू कैन यूज इट एज अ ओवरनाइट मास्क, या फिर मॉर्निंग में भी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर पे 1 आवर बिफोर टेकिंग शावर। सो मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड वे टू यूज दीज कैप्सूल्स, वंडरफुल कैप्सूल्स, इज कि आप 4 कैप्सूल्स ले लो ये वाले। सो टेक 4 कैप्सूल्स ऑफ वाइटामिन ई, एड 2 टेबलस्पून्स ऑफ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल सबके यहाँ नहीं होता है, बट अगर इनकेस है आपके यहाँ पर तो आप उसको ऐड कर लो, 2 टेबलस्पून्स ऑफ आलमंड ऑयल, और एड सम एलोवेरा जेल टू इट। तो एलोवेरा जेल आप ले सकते हो, अगर फ्रेश एलोवेरा है आपके घर में तो आप उसको पील करके यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू यूज़ एलोवेराज। अगर आप फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, सो इट डू वंडर्स। अगर नहीं है देन नो वरीज, आप मार्केट से एलोवेरा जेल ले सकते हो, हिमालय का आता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जेल आते हैं, बट हिमालय इज़ एक्सट्रीमली गुड, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो 4 ये वाले कैप्सूल्स हो गए, 2 टेबल स्पून ऑफ आलमंड ऑयल हो गया, एंड 3rd हो गया एलोवेरा जेल, ठीक है। इन यू मिक्स कर लो इन सबको एक साथ, और इनको मिक्स करने के बाद मसाज करो जेंटली ओवर योर हेयर एंड स्कैल्प। अच्छे से मसाज करने के बाद कीप इट फॉर 1/2 आवर, और 1/2 आवर रखने के बाद वॉश इट ऑफ, रिंस इट ऑफ विद योर रेगुलर शैम्पू, और उसके बाद यू कैन सी लॉट ऑफ शाइन इन योर हेयर, इतने बाल आपके सुंदर लगेंगे। एंड अगर कोई भी ड्राइनेस है या कुछ भी डैमेज है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। एंड ये आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो, लाइक थ्राइस अ वीक आप ऐसा कर सकते हो, तो एक अलग टाइप का मॉइस्चर ऐड हो जाएगा आपके हेयर में, और जितनी भी ड्राइनेस वगैरह है वो गायब हो जाएगी। एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो बार बार, एंड विटामिन ई के साथ और आलमंड ऑयल, लाइक इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो अगर आप ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज़ कर रहे हो लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, सो इट डू वंडर्स फॉर योर हेयर, ट्रस्ट मी, एक बार आप यूज़ करके देखना। तो थर्ड वे ऑफ सेकेंड वे ऑफ यूजिंग दिस इज कि आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करो, उनको जेंटली मसाज करो ओवर योर हेयर, एंड देन वॉश इट ऑफ विद योर रेगुलर शैम्पू। सो द नेक्स्ट वे टू यूज विटामिन ई कैप्सूल्स इज फॉर दोज पीपल हु वोंट माइंड यूजिंग एग्स ऑन देयर हेयर, लाइक आई कांट यूज एग्स ऑन माई हेयर बिकॉज मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, एंड एक अजीब सी फीलिंग आती है यूज़ करने में। तो ये उन लोगों के लिए है जो एग्स ईजिली यूज़ कर लेते हैं अपने हेयर पे। तो आपको क्या करना है, टेक 2 एग्स, और उसके साथ आप लीजिए 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, और उसके साथ ऐड करिए 2 टेबलस्पून ऑफ आलमंड ऑयल। इन सबको आप एक साथ मिक्स कर लो, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से बीट कर दो, और जब एक फ्लफी सा एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो उस मिक्सचर को आप जेंटली पूरे हेयर पे अच्छे से अपनी यूजिंग फिंगर टिप्स पूरे हेयर पे लगा लो अच्छे से, एंड कीप इट फॉर 40 मिनट्स, एंड देन आफ्टर दैट वॉश इट ऑफ। तो इट्स वेरी सिंपल गाइज, अगर आप एग्स यूज़ करते हो, एग्स तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं हेयर के लिए, इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन, और एग्स यूज़ करोगे तो प्रोटीन भी मिलेगा आपके बालों को। तो आपको 2 एग्स लेने हैं, 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स लेने हैं, एंड 2 टेबलस्पून ऑफ आलमंड ऑयल लेना है। अगर आलमंड ऑयल है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको मिक्स कर सकते हो, तो या कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो उसकी जगह पर, और कीप इट फॉर 40 मिनट्स, और अच्छे से अप्लाई कर लो पूरे स्कैल्प पे, एंड कीप इट फॉर 40 मिनट्स, एंड देन वॉश इट ऑफ। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैक है आपके हेयर के लिए, और एक मास्क हो जाता है ये आपके हेयर के लिए, आपको इंस्टेंट ग्लो देता है आपके बालों में, इंस्टेंट शाइन देता है, और आपके स्कैल्प को हेल्दी तो बनाता ही बनाता है। सो द नेक्स्ट पैक इज फॉर दोज पीपल हु हैव ड्राई हेयर, जिनके ड्राई हेयर हैं उनके लिए है ये पैक, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 1 एग, यू हैव टू टेक 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, 2 टेबल स्पून ऑफ
ग्लिसरिन एंड टू विटामिन ई कैप्सूल्स. तो आपको लेना है एक अंडा, टू टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरिन, टू टेबलस्पून ऑफ विनेगर एंड वन टू विटामिन ई कैप्सूल्स. इनको आप जेंटली सबको मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद पूरे जो आपका एक मिक्सचर बनेगा उसको आप जेंटली अपने पूरे बालों पर अप्लाई कर लो. एंड इसको आप एटलीस्ट 1 आवर रखो अपने हेयर पे और उसके बाद आप इसको वॉश कर लो. एंड सीरियसली गाइज, इतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ ड्राई हेयर, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाती. मैं इसमें से एग वाला पोर्शन हटा देती हूँ और मैं इसमें विनेगर, ग्लिसरिन और विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल के यूज़ करती हूँ. एंड इट गिव्स इंस्टेंट ग्लो टू माई हेयर और ड्राइनेस भी हट जाती है. सो इट्स वेरी गुड गाइज, आप इसको यूज़ कर सकते हो इन केस यू हैव ड्राई हेयर. सो गाइज, आप ये विटामिन ई के कैप्सूल्स को असेंशियल ऑयल्स के साथ भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हो. इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर एज वेल. और इसको आप एवोकाडो ऑयल के साथ या फिर कैस्टर ऑयल के साथ, जोजोबा ऑयल के साथ, किसी के साथ मिक्स कर और उसके बाद अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि सेम इम्पैक्ट आएगा जो इसका ओवरऑल फंक्शन होता है, टू मेक योर स्कैल्प स्ट्रॉन्ग, टू गिव इंस्टेंट शाइन टू योर हेयर एंड इट प्रिवेंट्स हेयर लॉस एज वेल. तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और आप इसको स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो. मैं स्किन के भी इसकी रेमेडीज आपको बताऊंगी, बट उसके लिए अलग व्लॉग बनाऊंगी, इसमें मैं इसको मिक्सअप नहीं करूंगी. और अगर आप लोग बोलेंगे तो जल्दी बना लूंगी उस पर एक वीडियो. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज. सो गाइज, आई होप आपको मेरे बताए हुए विटामिन ई के जितने भी यूजेज हैं स्पेशली फॉर योर हेयर अच्छे लगे होंगे एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल. सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्किन के लिए भी आपके साथ शेयर करूँ विटामिन ई के यूजेज, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट व्लॉग फॉर दैट. इसमें मिक्स नहीं करूँगी मैं, अदरवाइज़ ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा. और मैंने आज हेयर की बात आई तो आई थॉट कि चलो आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमारे आसपास मिलती हैं या घर में भी होती हैं बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़. तो बस मैंने सोचा कि चलो ऐसा जो मुझे पता है मैं एटलीस्ट आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ, तो इट माइट बी हेल्प फॉर यू गाइज. कितना हेल्पफुल होगा दैट आई डोंट नो, वो आप लोग मेरे को बताना अगर आप इसको यूज़ करते हो तो. So this is it in this vlog and I'll see you guys super soon in my next vlog. Till then take care of yourself and don't forget to like, share and subscribe my channel. Or subscribe kar lo, please do it now, right now guys, please. It's absolutely free for you, it costs nothing, but it's very essential, very important for me. It gives me immense motivation to do something really really good in future as well and create a good content for you guys. So आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा गार्डनिंग का सेशन अच्छा लगा होगा, मेरे नए प्लांट्स अच्छे लगे होंगे और ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून. एंड लुक एट द मून गाइज, इट्स अ फुल मून टुडे. शरद पूर्णिमा है आज एंड दिस मून लुक्स सो ब्यूटिफुल.